मेरा आज का कलर थीम येलो, लेमन येलो, लाइट ग्रीन, डीप ग्रीन एंड वाइट। इसमें मैंने सबसे पहले ऊपर जो क्लाउड्स हैं उसमें वाइट के टच के साथ लेमन येलो को लिया है, और नीचे की तरफ डार्कनेस बढ़ाने के लिए डीप येलो और लाइट ग्रीन से डीप ग्रीन के उस शेड को बड़े ब्रश से मर्ज कर दिया है इस तरह से नाइफ की हेल्प लेके। ये मैंने इस तरह से नाइफ से इसमें मैंने एक सिप का शेप दे दिया है इस तरह से। इसको मैंने कंट्रास्ट करने के लिए एक रेड कलर का थीम के साथ डाला है। अब मैं इसमें एक ट्री बना रहा हूँ। एक जो है मैंने पॉइंटेड ब्रश से डायरेक्ट ट्री की शेप दे रहा हूँ। ये स्केच हम पॉइंटेड ब्रश से ही कर लेते हैं इसको इस तरह से। और जो हम ट्री का शेप दे रहे हैं इसको मैंने साइड से लिया है ताकि हमें डेप्थ भी आए और पीछे का सीन भी पूरा क्लियर नज़र आने लगे। ये आगे की तरफ मैंने थोड़ा सा और डीप ग्रीन को बढ़ा दिया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है जो लाइट और डार्क इफेक्ट है जो डेप्थ के लिए मैं स्पेशली यूज़ करता हूँ, तो आगे डार्कनेस बढ़ाने के लिए मैंने इसमें जो थोड़ा सा पहाड़ी जैसा कुछ हिस्सा डाला है इसमें डीप ग्रीन के साथ लाइट ग्रीन और लेमन का शेड लगाऊंगा। मैं भी लेमन का शेड लगा दिया इसमें। और जो मेरा सिप्स है उसके लिए मैंने आउटलाइन पॉइंटेड ब्रश से ब्लैक से आउटलाइन को कर दिया है इस तरह से। और इसका शेडो भी दिखा देता हूँ ये नाइफ से इस तरह से। ये शेडो हो गया इसका ऊपर की तरफ हल्का सा लेमन का टच लगाऊंगा। इस लेमन के टच के साथ नीचे की तरफ ब्राइटनेस को आगे दिखाता जाता हूँ। अब मैं जो ट्री है उसके ऊपर स्पंज का यूज करके उसका जो लीव्स हैं उसको दिखा रहा हूँ। पहले मैंने लाइट ग्रीन का यूज़ किया है। लाइट ग्रीन के बाद मैं इसमें डीप ग्रीन का यूज़ भी इसमें करूँगा इस तरह से। और ये सारा कलर को यूज़ मैंने जो लीव्स है वो फोम को प्रेस करके कलर में डीप करके डायरेक्ट लगा रहा हूँ इस तरह से। देखते आइए ये मैंने डायरेक्ट लगा दिया। और थोड़ा सा डार्कनेस मुझे लग रहा है कि बढ़ाना चाहिए तो इसमें थोड़ा सा डार्कनेस और बढ़ा दूंगा मैं। अभी जो लाइट टच देना है वो लेमन के साथ दे देते हैं। वाइट में मिक्स करके देना है उसमें। लेमन और वाइट का टच मिलाएंगे तो वो और ब्राइट कर देगा आपकी पेंटिंग को इस तरह से। और ये जो डेप्थ दिखा रहा हूँ मैंने एलो का सेट लगा दिया इस पर इस तरह से। एलो का सेट कम्प्लीट नीचे की तरफ ऊपर की तरफ ये मिडिल में लगा देंगे। और ये नीचे की तरफ ग्रीन का टच लगाएंगे। ग्रीन को मर्ज कर दीजिए इसी के ऊपर की तरफ और ये इस तरह से ऊपर की तरफ ये ग्रीन को मर्ज करते हुए लेमन की तरफ ले जाना है इसको। ये नीचे की तरफ थोड़ा सा और डेप्थ बढ़ाएंगे तो डार्कनेस आपको बढ़ानी पड़ेगी। डार्कनेस से जो पास में आएगी चीज़ वो डार्क कर देंगे और पीछे की चीज़ लाइट करने से जो पेंटिंग में थोड़ा सा डेप्थ ज़्यादा नज़र आने लगेगी आपको। ये जो लीव्स के नीचे जो इसकी टहनियाँ हैं पेड़ की उनको थोड़ा सा क्लियर कर देंगे। इसमें लाइट और डार्क का शेड भी लगाना पड़ेगा ताकि फोकस पूरा लाइट और शेड पर करें अपन इस तरह से। मैंने इसको टहनियों को और थोड़ा सा फोकस करते हुए लाइट शेड लगा दिया है। ये देखते हैं और ये नीचे की तरफ भी लगा देंगे डार्कनेस और वाइट का टच। जो मेरा फॉर्म है उस फॉर्म में मैं वाइट का टच जरूर देता हूँ। और ये वाइट के साथ जो हमारा हिल्स है उसको लगा दिया नीचे की तरफ भी।
लिया और वाइट का स्प्रे भी डाल देते हैं इसमें। और इसमें मैं एक सनलाइट को भी दिखाना चाह रहा, तो ऊपर सन बना दीजिए। और ऊपर सन बनाने के लिए उसको ये मैं टेप निकाल देता हूँ पहले, इसके बाद में जो कमी नज़र आती है वो मैं कंप्लीट कर देता हूँ। और इस तरह से शायद आपको मेरा वीडियो पसंद